So hello guys, my name is Tirth and this is my acne. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी एक्ने जर्नी के बारे में। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊं और मैं बताऊं कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर तुम मेरी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जितनी भी जर्नी है वो आपको बताऊं और अगर आप ए पॉइंट पे है तो आपको भी एक होप मिले और इंस्पिरेशन मिले कि आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हो। इसी के बारे में ये वीडियो है, तो करते हैं शुरुआत। तो आपको एक्ने होना शुरू हो गया है वो आपको तब पता नहीं चलता जब आपको एक्ने होना शुरू हो गया। आपको वो तब पता चलता है जब कुछ ऐसे लोग आपसे कुछ ऐसा बोलते हैं, ब्रो ये क्या हो रहा है तुझे, बेटा आप तो बड़े हो गए। अरे यार ये तुझे क्या हो रहा है, बेटा जाओ उस डॉक्टर से मिल के आ, बेटा तू मुल्तानी मिट्टी लगा। ओ ब्रो क्या हो रहा है तुझे, ओ भाई 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 क्या बना के रखा है। तो आपको कुछ ऐसे लोग ऐसा कहते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको एक्ने हो रहे हैं। तो मुझे एक्ने होना शुरू हो गए थे 9th स्टैंडर्ड से और कुछ 8 सालों से मुझे एक्ने हो रहे हैं। पहले मुझे बहुत ही कम होते थे इसलिए मुझे लगता था कि समर चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि समर चल रहा है और हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से, धूप की प्रॉब्लम की वजह से मुझे एक्ने हो रहे हैं। तो मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और एक साल गुजर गया, समर गुजर गया, विंटर गुजर गया, मानसून सब कुछ गुजर गया, लेकिन एक्ने वही के वही थे। एक साल के लिए मैं कुछ भी खा रहा था, कुछ भी पी रहा था, ऐसे ही घूम रहा था, धूप में घूम रहा था। तो एक साल में मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखा, इसकी वजह से मुझे लगा कि बॉस अब कुछ इस पे करना पड़ेगा, ये अपने आप ठीक होने वाले में से नहीं है। तब फटाफट से ठीक करने के लिए सभी नुस्खे हमारे पास रेडी ही होते हैं। हमारे आसपास के लोग, गूगल, यूट्यूब, सभी जगह एक से एक बढ़िया नुस्खे रेडी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गेम में आते हैं नुस्खे और हमारे आसपास के लोग, गूगल, यूट्यूब, सभी लोग अपने पास अपने अपने नुस्खे लेकर रेडी होते हैं आपको बताने के लिए एक से एक बढ़िया नुस्खे। तो कुछ ऐसे लोग आपको अपने नुस्खे सुनाते हैं। बेटा 10 दिन के लिए चेहरा धोना छोड़ दे, सब क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैं आप बेटा रोज 10 ग्लास दूध पीना शुरू कर दो। 10 ग्लास कितने? 10 ग्लास। बेटा तू एलोवेरा लगा, बेटा तू मुल्तानी मिट्टी लगा, बेटा तू एलोवेरा लगा, बेटा तू मुल्तानी मिट्टी लगा, नहीं एलोवेरा, नहीं मुल्तानी मिट्टी, नहीं एलोवेरा, नहीं मुल्तानी मिट्टी। एक काम कर, तू हल्दी लगा, नहीं 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 रुक, नींबू का रस लगा, नींबू का। तो इसी नुस्खों में मुझे दिया गया सबसे घटिया से घटिया नुस्खा था, वो था कि आप अपने फेस पे जो साबुन लगाते हो वो कपड़े धोने का साबुन लगाओ जिससे आपको एक्ने नहीं होगी। हाँ आपने सही सुना, मैं अपने बाल कटवाने जहाँ गया था उस बार्बर ने मुझे ये टिप दी थी कि आप अपने मुंह पे कपड़े धोने के साबुन से अपना फेस वॉश करो। तो ऐसे ही नुस्खों के साथ सभी लोग रेडी होते हैं आप पे अत्याचार करने के लिए, आपकी स्किन पे अत्याचार करने के लिए। तो ऐसे ही सभी लोग अपने अपने नुस्खे लेकर रेडी होते हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सब कुछ ट्राई करने लगते हैं, किसी एक चीज पे फोकस नहीं करते और सब कुछ ट्राई करने की वजह से आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता और हम इनपेशेंस होने लगते हैं कि यार ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे ही सब कुछ ट्राई करने में हम ये प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट, जाने क्या क्या लगाने लगते हैं। और ऐसे ही प्रोडक्ट लेके एक आदमी मेरे पास आया था अपनी एक ट्यूब जो थी टूथपेस्ट और अपना एक साबुन लेकर। तो उसने दी थी गारंटी कि ये प्रोडक्ट से अगर आपको पिंपल्स या एक्ने ठीक नहीं हुए तो मैं आपसे इसके पैसे नहीं लूंगा। तो हुआ क्या कि इससे कोई भी फर्क नहीं मिला और मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए। उसने मुझे दी थी एक टूथपेस्ट अपने फेस पे लगाने के लिए जिससे आपकी एक्ने ठीक हो जाएगी 100% गारंटी के साथ, वो ऐसा कह रहा, लेकिन उससे मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। फोकट में मैंने उसको 3 महीने यूज किया और अपने फेस पे में टूथपेस्ट लगा था मैं। तो ऐसे नुस्खे आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्रूवन एंड साइंटिफिक लॉजिक के साथ आप सोचो कि क्या आपकी स्किन के लिए अच्छा है, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा बगैर ये नुस्खे से। तो ऐसे ही सभी नुस्खे ट्राई करने के बाद पता चला कि बॉस ये नुस्खों से ठीक होने वाले में से नहीं है, अब चलते हैं डॉक्टर के पास।
फिर मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, और अभी भी मेरे पास दो दिन की फाइल पड़ी है। मैं एक बार गया था 29 अक्टूबर 2014, दूसरी बार मैं गया था 5 मार्च 2016। तो वो लोग हमें भर भर के दवाइयाँ लिखते हैं और अपने 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। तो मैंने ये बात नोटिस की कि जो मेरा 2014 में जो केस नंबर था वो था 9600, और जो 2016 में जो केस नंबर था वो था 16,000। मतलब के 2 साल में उनके बाद 6 से 7 हज़ार पेशेंट गए। तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर हमें देते हैं भर भर के दवाइयाँ 2 से 3 हज़ार रुपये की, और वो दवाई उसे हमें 2 से 3 महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो डॉक्टर ने दवाई दी थी उसे क्या होता है कि आपकी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है और फेस कई हद तक क्लियर हो जाता है और आपकी एक्ने ठीक हो जाती है। लेकिन 2 से 3 महीने के बाद अगर आप दवाई लेना बंद कर दोगे तो फिर से आपको एक्ने शुरू हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही कई बार दवाइयाँ ली, लेकिन मेरी स्किन जैसी थी वैसी फिर से हो गई। तब मुझे पता चला कि डॉक्टर से कुछ भी नहीं होने वाला, ये मेरी इंटरनल प्रॉब्लम है, मुझे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे मुझे फायदा मिलेगा। तब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, कुछ नुस्खे कुछ अपने पर एक्सपेरिमेंट करने ट्राई किए, कुछ खाना छोड़ दिए, कुछ खाना शुरू कर दिया, जिससे एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे पता चला कि इसको ठीक कैसे करना है। तो डॉक्टर का सीन जब खत्म होता है तब मैं नॉलेज लेना शुरू कर देता हूँ एक्ने और पिंपल्स के बारे में, ओवरऑल स्किन कंडीशन के बारे में। और ऑनेस्टली बताऊँ तो जितना मैं नॉलेज ज्यादा लेता गया उतनी ही कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ती गई। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो था एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। मैं अपने पे एक्सपेरिमेंट्स करता गया, खाता गया और उसकी इफेक्ट देखता गया, और मुझे उस एक्सपेरिमेंट्स से बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। तो अब बात आती है कि मैंने इसको ठीक किया तो किया कैसे। तो ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इसको ठीक किया इंटरनेट के माध्यम से और सेल्फ एक्सपेरिमेंट से। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनेट पे सभी लोग गलत चीज बता रहे हैं। इंटरनेट पे 2% से थोड़े ज्यादा लोग आपको जेन्युइन टिप्स और ट्रिक्स दे रहे हैं जिससे आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, लेकिन बाकी के जो 98% लोग हैं वो आपको सिर्फ नुस्खे दे रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। लेकिन वो 2% जेन्युइन लोगों की बात करें तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था। तो मैं एक्सपेरिमेंट करता गया। फॉर एग्जाम्पल, पहले मुझे लगता था कि मुझे डाइजेशन इश्यू है, तो मैंने त्रिफला चूर्ण ऐसे और कई चीज इस्तेमाल करके अपने डाइजेशन को प्रॉपर फिक्स किया। उसके बाद भी एक्ने हो रहे थे तो मुझे लगा कि मेरी ऑयली स्किन की वजह से मुझे एक्ने हो रहे हैं। तो मैंने डाइजेशन के साथ अपनी स्किन पे ऑयली स्किन पे काम करना शुरू किया। उससे भी मुझे ठीक नहीं हुआ तो मैंने अपने डाइट को चेंज किया, वेजिटेबल और फ्रूट्स ऐड किए, जिससे मुझे कुछ हद तक फायदा मिला। फिर मैंने एक्सरसाइज ऐड की, योगा मेडिटेशन जैसी चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड की, और फिर आखिर में मैंने बेंजाइल पेरोक्साइड के प्रोडक्ट्स को भी यूज किया, जिससे ओवरऑल मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा मिला। तो ऐसे ही 4-5 चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर मुझे स्किन में बहुत ही ज्यादा फायदा दिखने लगा, और ऑलमोस्ट मैंने एक्ने को बीट कर लिया है। मुझे अब एक्ने नहीं होते, और अगर होते भी है तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे इतने दिन में ऐसे एक्ने ठीक हो जाएगी। तो यही थी मेरी पूरी एक्सपेरिमेंट्स की कहानी कि मैं अपने पे कैसे एक्सपेरिमेंट करता था। तो ऐसे ही उतार चढ़ाव वाली ये मेरी 8 साल की जर्नी है, और इसी 8 साल की जर्नी की वजह से मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ और आपको अपना नॉलेज दे रहा हूँ। तो इट्स फील रियली सैड जब आपको एक्ने होते हैं। एक्ने कोई डिजीज नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई अपनी बॉडी में प्रॉब्लम हो, लेकिन एक्ने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ एस्टीम पे बहुत ही ज्यादा बड़ा असर पड़ता है, जिसकी वजह से आप बाहर निकलना अवॉइड करते हैं, और अगर आप बाहर निकलते हैं तो मुंह पे रुमाल बांध के चलते हैं, और
अगर कोई आपसे बात करता है तो वो आपकी आंख में आंख मिलाकर नहीं लेकिन आपके फेस पे देखता रहता है, तो जिसकी वजह से आपकी करियर, रिलेशनशिप्स और सभी लाइफ के एस्पेक्ट पे नेगेटिव असर पड़ता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो इस पूरे 8 से 9 साल की जर्नी में बहुत ही सारे अप एंड डाउन आए, सैडनेस, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट जैसी बहुत ही सारी चीजें आई, लेकिन ये विश्वास मुझे हमेशा बना रहा कि ये चीज जो मुझे अभी हो रही है वो एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी। याद रखना कि आप हो तो एक्ने है, तो इतना हमेशा याद रखना कि आपके मुंह के कुछ दाग धब्बे आपके कॉन्फिडेंस, करियर, रिलेशनशिप्स को डिफाइन नहीं करते। सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो ही जाता है। हर राह को हमेशा अपनी मंजिल मिल ही जाती है। तो ये पूरी थी मेरी 8 से 9 साल की जर्नी, दिस इज माय एक्ने जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन और एक्ने से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सजेस्ट करिए कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए। तो यही था हमारा वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।